नारायण। कल से भखारा में सद्गुरु कबीर के विचारों का उद्बोधन किया जाएगा। कबीर के नाम का स्मारक और विश्वविद्यालय बनाने की मांग सद्गुरु कबीर आश्रम कर रहा है, ताकि और लोगों तक कबीर के व्यक्तित्व को पहुंचाया जा सके। इस मांग के लिए वो शांतिपूर्वक सरकार से अपील करेंगे। इसमें किसी भी तरह की राजनीति शामिल करने से संतों ने साफ इनकार किया है। आंदोलन बिना किसी राग द्वेष के संपन्न किया जाएगा। कबीर आंदोलन में धमतरी के 42 गांव संचालित होंगे। गौरतलब है कि इस आंदोलन को महंत पंचम दास शास्त्री, गातापार आश्रम के संत प्रदीप साहेब, भानपुरी आश्रम के संत विवेक साहेब, ध्रुव साहेब सहित अन्य संतों का भी समर्थन प्राप्त है। ये कल से भखारा में सदगुरु कबीर सत्संग के ही नाम से उनके विचारों का संबोधन होगा, और जिसमें उनके अनुयायी या उनको मानने वाले जो भी हैं सब लोग एकत्रित होंगे, जिसमें अन्य कुछ नेतृत्व गण भी आने की संभावना है, और उसमें वही विचार जो सदगुरु कबीर ने मानवतावादी या संपूर्ण विश्व को एक सूत्र में बांधने के जो विचार उन्होंने दिया, उन्हीं विचारों के द्वारा हम उन्हें अवगत कराएंगे कि ऐसे संत की विचारों की, उनके रहने की कितनी बड़ी आवश्यकता इस समाज को है, और इसलिए हम उनके नाम का एक स्मारक बनाना चाहते हैं या विश्वविद्यालय बनाना चाहते हैं, ताकि लोग वहां जाकर सीख सकें, समझ सकें, और इस राष्ट्र में पुनः वही वसुधैव कुटुंबकम का भाव जागृत कर सकें। नारायण नारायण।